मैं बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस ने इतना प्यार दिया नेहमत को, इवन उड़ारियां खत्म होने के बाद भी इतना प्यार दे रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा इस शो से। मैंने एक्चुअली बहुत कुछ सीखा कि मेच्योरिटी सीखी। ट्विंकल जी, टेलीबाइट में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ट्विंकल जी, आपका शो उडारिया जो काफी सुपर डुपर हिट शो रहा, एंड आप जब तक शो में थे फैंस ने उस शो को काफी पसंद किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद शो की टीआरपी में काफी गिरावट देखी गई है। पहले तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है, बल्कि आई वॉज वॉचिंग फ्यू एपिसोड्स एंड ऑल थ्री ऑफ देम दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस ने इतना प्यार दिया नेहमत को, इवन उड़ारियां खत्म होने के बाद भी इतना प्यार दे रहे हैं। तो उसके लिए वी ऑलवेज वेरी थैंकफुल। और टीआरपी तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकती, कभी आती है कभी जाती है, बट आई कैन से कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, तो वो मेहनत तो कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। नई कार आपको कितनी अच्छी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। दे आर नाइस, तीनों बहुत प्यारे हैं। आसमा से मेरा थोड़ा थोड़ी ज्यादा बातचीत हुई एंड डेज में, आलिया और अरमान से थोड़ी कम बातचीत थी, पर स्वीट तो तीनों ही है। टॉकिंग अबाउट सॉरी, शो, आप कितना मिस कर रही हैं शो को, उडारिया शो को? सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हैं? मैं जैसे हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, इस इंटरव्यू में भी बोलूंगी, मैं रोल कैमरा एक्शन भावेश दादा या प्रकाश दादा जब बोलते थे टेक करेंगे, जो वो माहौल था, वो जो मस्ती थी, जो शूट करने में जो प्यारा सा प्रेशर होता है ना कि करना है ये है वो है, वो एक हर एक आर्टिस्ट के अंदर होता है, तो मैं वही सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ कि रोल कैमरा एक्शन इज द थिंग दैट आई एम मिसिंग द मोस्ट। ओके, अगर बात करें स्टार कास्ट के बारे में, तो अभी किसके किसके साथ आप टच में हैं, या फिर किससे बात होती है डेली शो से रिलेटेड, डेली शो से मतलब उडारिया से रिलेटेड या उड़ारिया के कास्ट के साथ किसके साथ आप कनेक्टेड हैं और बात किससे होती है? मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हितेश से भी बात हुई थी, एंड आज भी बात हुई है, जस्ट अभी बात हुई है, एंड समर्थ से बात हुई, रोहित, सारे एक्चुअली सारी कास्ट ही बहुत प्यारी थी, और आई गेस हम सारे कांटेक्ट में। कुछ टाइम पहले कविता जी से बात हुई, नानी तो मेरी नानी के साथ था ही हमेशा अलग सा कनेक्शन, से बात हुई, मल्लिका जो नेहा सोनाक्षी, आई गेस आई एम इन कांटेक्ट विद एवरीबॉडी। ओके, टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग शोज, तो आने वाले टाइम में लुक में क्या कुछ है? क्योंकि हम ट्विंकल को मिस कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन में, और झलक दिखलाजा के आई लिए नो भी आपका माय नाम गुड, सामने आया है। इवन आई एम मिसिंग कमिंग बैक टू स्क्रीन, बट देर एज आई अर्लियर सेड, कुछ चीजें जैसे देर वॉज दिस शो विच वॉज ऑलमोस्ट हो गया था, बट देर हैड सम इमरजेंसीज, कुछ ना कुछ देर हैपेंस, एंड बट आई कैन प्रोमिस देर इज समथिंग गुड कमिंग अप, लाइनिंग अप, बट चीजें प्रोसेस में है, टाइम लेती हैं, तो जब तक टाइम ले रही है तब तक मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, पर जल्द ही ये वादा है कि हम जल्दी ऑन स्क्रीन मिलेंगे, बहुत जल्द। ओके, झलक झलक दिखला जा सीजन 11 के लिए भी आपका नाम सामने आया है। कितनी सच्चाई है कि आप शो का हिस्सा बनने वाली है? झलक के कंटेस्टेंट तो अनाउंस हो गए हैं, तो बट आपका भी अभी नाम सामने आया था शो के झलक लिए। के लिए आई नो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, पूरा डाला था दैट वी वांट ट्विंकल इन झलक, बट आई थिंक झलक आल्सो ड्यू टू फ्यू रीजंस झलक कुड मे बी नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ओके, टॉकिंग अबाउट उडारिया, झलक इज नॉट कमिंग ऑन कलर्स, झलक केम ऑन इज कमिंग सोनी ऑन टीवी। सो, तो मतलब देयर क्राइटेरियाज आर अ बिट डिफरेंट। ओके, टॉकिंग अबाउट उड़ारिया के प्रोड्यूसर सरगुन मेहता एंड रवि दुबे, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मैं उनको एडमायर करती हूँ, वो दोनों एक साथ पावर कपल है, और अलग अलग भी दोनों बहुत पोटेंशियल रखते हैं, मतलब आई ऑलवेज सी सरगुन मैम रनिंग ऑन हर टोज, शी इज डूइंग हर मूवीज, शी वॉचेज उडारिया, शी इज वॉचिंग आउट फॉर जुनूनियत, नाउ देयर इज दिस दालचीनी कमिंग विच इज ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल ड्रीमयता टीम, सो शी इज अ वर्कहोलिक वुमन एंड शी इंस्पायर्स मी अलॉट। ऑन द अदर हैंड रवि सर, आई लव टू टॉक टू हिम, उनकी तो आवाज में इतनी वॉर्म्थ है, दे इवन आफ्टर उडारिया आई हैड अ कॉन्वर्सेशन फॉर आई वॉन्टेड अ बिट ऑफ गाइडेंस एंड सर ने गाइडेंस दी, सो आई वुड से आई आई रियली एडमायर देन देम, एंड आई एक्चुअली होल्ड अ गुड बॉन्ड विद देम, एंड मे बी वील वर्क वेरी सून इन फ्यूचर। ओके, टॉकिंग अबाउट शो, एक चीज आपने इस शो से सीखी? मैंने बहुत कुछ सीखा इस शो से, मैंने एक्चुअली बहुत कुछ सीखा कि मेच्योरिटी सीखी, सबसे बड़ी बात मेच्योरिटी शो से आई। टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, तो आने वाले टाइम में लुक में क्या कुछ है, क्या कुछ आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहती हैं, कुछ हिंट देना चाहती हैं फैंस को आने वाले टाइम के लिए? कुड बी मेजर, देखो आई एम ओपन टू ओटीटी, आई एम ओपन टू मूवीज, आई एम ओपन टू टीवी, बट
लेट्स सी व्हाट कम्स ओटीटी या टीवी, जो भी पहले आ सके मेरी लाइफ में तो. पर डेफिनेटली स्क्रीन पे तो हम जल्दी मिलेंगे, किसी ना किसी शो में मिलेंगे या किसी ना किसी ओटीटी में मिलेंगे. थोड़ा टाइम, क्योंकि अच्छी चीजें होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हम बहुत जल्दी अच्छे प्रोजेक्ट में जल्दी जल्दी मिलेंगे. ओके लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, क्योंकि नवरात्रि का आज लास्ट डे है, कुछ आप कहना चाहती हैं अपने फैंस से? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी रिसेंट टाइम्स में ना, देर दिस दिस वन थिंग, आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, आई यू वुड कैन जस्ट से से कि ऑडियंस आप सारे बहुत इंटेलिजेंट हो. आई नो मार्केट में बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करके बहुत निकाला जाता है, और मैं पिछले 1-1.5 महीने से ये चीज देख रही हूँ कि मेरे नाम पे बातों को घुमा घुमा के हर एक अलग अलग आर्टिस्ट से अलग अलग तरीके से सवाल किया जा रहा है कि ट्विंकल ने ऐसे कहा था तो ये तो वो. मैं बस ऑडियंस को ये कहूंगी कि यू नो द रियलिटी, मतलब एवरीबडी नोज द रियलिटी एंड एवरीबडी नोज व्हाट आई सेड, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड ट्रस्ट एंड गिव योर लव, दैट्स ऑल. आई लव यू ऑल एंड हैप्पी नवरात्रि. आज नवमी है आई या गेस, राइट? जरूर, कल यस दशहरा है, तो यस यस हैप्पी 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 दशहरा टू यू ऑल. आज तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है एंड आई जस्ट होप कि आप आगे भी ऐसे ही ट्रस्ट दिखाओगे और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहोगे. थैंक यू सो मच ट्विंकल, आपसे बात थैंक करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपका जल्दी नया प्रोजेक्ट आए और हम ऐसे ही यू. बहुत इंटरेस्टिंग जल्द इंटरव्यूज आपके लेते रहें। थैंक मैं सबसे पहले आपको ही बोलूंगी कि ये आ रहा है. यू सो मच ट्विंकल, टेक केयर, बाय। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.